हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेदांत फैशन लिमिटेड, जिसका की पॉपुलर ब्रांड है मान्यवर, जो आप सभी लोग जानते होंगे, इसने अपना Q4 FY22 और ओवरऑल FY22 का पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन किया हुआ है। इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि कंपनी आगे अपने परफॉर्मेंस को किस तरह आगे लेके जाती है और ये कंपनी आगे किस तरह से बढ़ सकती है। वेदांत फैशन लिमिटेड, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इनके स्टोर्स इस तरह के ही डिजाइन में आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर देश के हर एक कोने में आपको मिल जाएंगे। और ये जो पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इन्होंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अबाउट वेदांत फैशंस की इन्वेस्टमेंट हाईलाइट, ग्रोथ स्ट्रेटजी, Q4 अपडेट इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल समरी। क्या इनको स्पेशल बनाता है? तो सबसे नंबर एक इन्होंने क्वालिटी रखी हुई है, वो है एस्पिरेशनल येट वैल्यू फॉर मनी। कोई भी इनके ब्रांड के साथ एसोसिएट होना चाहता है, यानी कोई कस्टमर है वो चाहता है मान्यवर के कपड़ों को खरीदे, लेकिन यहाँ तक भी है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है। मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कई सारे ब्रांड है इनके, केवल मान्यवर ही नहीं है, मान्यवर के अंदर बहुत सारे ब्रांड इसके अंदर आते हैं। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ये करते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे जो इनका प्रोडक्ट है उसके अंदर। और क्यूरेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी विथ मल्टी चैनल प्रेजेंस, यहाँ इन्होंने मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो इनका कहना है कि ये कई मार्केटिंग चैनल में प्रेजेंट है और वहां से ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इंडस्ट्री लीडिंग इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कि इनका कहना है, और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कंपनी का कहना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये कोई समझौता नहीं करते हैं। तो ये कुल मिला के इनका कहना है कि ये मान्यवर को एक स्पेशल एंटिटी बनाती है। अब इनके ब्रांड पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इनका जो ब्रांड है वो उसमें मान्यवर सबसे ऊपर है, इस कैटेगरी का एकदम लीडर है, इनकी कंपनी का सबसे लीडर ब्रांड है। उसके अलावा तोमेव है, ये एक प्रीमियम ब्रांड है, यानी कि मान्यवर थोड़ा एफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप और ऊपर चलेंगे तो तोमेव एक प्रीमियम ऑफरिंग है। इसके अलावा मंथन है, वैल्यू ब्रांड ऑफरिंग है मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर में। मोहे ये एक इमर्जिंग ब्रांड है, धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है, ये महिलाओं में विमेन्स मिड प्रीमियम सेगमेंट में ये काम कर रहा है। और मेबाज इज हेरिटेज ब्रांड, यानी कि आपको एथनिक वियर वगैरह में ये मिल जाएगा। इवोल्यूशन ओवर द ईयर, अब इन्होंने हिस्ट्री अपनी बताई है कि 99 में ब्रांड मान्यवर जो है स्टार्ट किया ऑपरेशन वाया प्रेडिसेसर एंटिटी, किसी से इन्होंने लेकर के इसको स्टार्ट किया। 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ वेदांत फैशन प्राइवेट लिमिटेड। 2008 में EBO जो पहला इनका था वो भुवनेश्वर में खुला, और 2011 में फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोर इन्होंने दुबई में खोला, और ऐसा करते करते ये 2013 में ऑफिशियल इंडियन वियर पार्टनर ऑफ 3 IPL टीम ये बने। 2016 में ये 5000 मिलियन अपना रेवेन्यू EBO के थ्रू ये क्रॉस कर देते हैं, और फर्स्ट स्टोर ये US में खोलते हैं 2016 में। इसके अलावा आप देखिए 2019 में इन्होंने लॉन्च किया तोमेव मेंस प्रीमियर ब्रांड, और 10,000 मिलियन रुपीज इन्होंने रेवेन्यू क्रॉस किया, और साथ ही साथ 1 मिलियन स्क्वायर फिट एरिया EBO प्रेजेंस इन्होंने क्रॉस किया। 2021 में सेलिब्रेशन बियर पार्टनर इन फेमिना मिस इंडिया 21 में ये हुए, और 2022 में लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि हम लोग जानते हैं। कि हाइलाइट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये एक लार्ज ग्रोइंग इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर मार्केट ड्रिवन बाय एन इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन सच वियर। मार्केट लीडर है इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट में। यूनिक बिजनेस मॉडल इनका है, जो कि एसेट लाइट ब्रांड प्ले अलॉन्ग विद सीमलेस परचेज एक्सपीरियंस बोलते हैं। अट्रैक्टिव मार्केटिंग इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग कनेक्शन थ्रू इमोशंस के थ्रू ये चल रहे हैं। वाइड स्प्रेड पैन इंडिया मल्टी चैनल प्रेजेंस है, केवल एक अपना ही चैनल नहीं है बल्कि ये और भी चैनल के थ्रू ये प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड सप्लाई चेन है, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल लीडरशिप टीम है, जैसा कि सभी कंपनियां कहती है, और एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ट्रेजेक्टरी विद इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन का ये चल रहा है। एस्थेटिक अपील विथ मॉडर्न टच स्टोर्स टू प्रोवाइड एनहेंस्ड एंड एलिवेटेड कस्टमर एक्सपीरियंस, इनका जो रहे कि जो इनके स्टोर्स हो वो कस्टमर को एक अच्छा और उमदा कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो स्टोर्स हैं वो हाईली डिजाइंड है, एक्सक्लूसिव जो इनके स्टोर्स हैं, आप यहाँ देखिए ये एक तरह का है, ये काफी बड़ा एक शोरूम है,
और तोमेव का उसमें इन्होंने अलग से बना रखा हुआ है, तो काफी स्पेसियस एक इनका शोरूम डिजाइन हुआ रहता है। अब इस तरह के भी इन्होंने यहाँ पे डिजाइन अंदर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लगाए हुए रहते हैं, ताकि एक एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर लेकर के जाए। यूनिक मॉडल विथ हाई बैरियर टू एंट्री, इन्होंने जो मॉडल बनाया हुआ है इसमें बाकी प्लेयर के एंट्री करने की संभावना कम है। ये कहते हैं कि सप्लाई चेन और वेंडर मैनेजमेंट में इन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया हुआ है, और लार्ज नेटवर्क ऑफ 460 रजिस्टर्ड वेंडर अक्रॉस 42 सिटी में 2022 का ये डेटा है इन्होंने बताया। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में एल्गोरिदम बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, और साथ में रोबस्ट फ्रेंचाइजी लेड ईवीओ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इनका है, और कंज्यूमर प्रेफरेंस को ये समझते हैं जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कैंपेन चलाते हैं जैसे कि हैशटैग पहनो अपनी पहचान, और दूसरा है हैशटैग शादी ग्रैंड होगी, और फिर है कि अपनों वाली शादी दिवाली वाली फीलिंग, तैयार होकर आइए हैशटैग शादी का खर्चा आधा आधा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इनिशिएटिव, डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव, ब्रांड बिल्डिंग इन स्टोर, सब कुछ एक साथ करके ये कस्टमर को मार्केटिंग इनिशिएटिव के थ्रू एक इमोशंस को सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनका कहना है कि इनका जो सप्लाई चेन नेटवर्क है ये 460 वेंडर्स के साथ 42 शहरों में ये कर रहे हैं, 0.26 मिलियन स्क्वायर फीट में ये सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोलकाता में बना रखे हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डिजाइन टीम है, वेंडर साथ में है कनेक्टेड, मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ईवीओ रिटेल नेटवर्क साथ में जुड़ा हुआ है जो कि इनके एल्गोरिदम बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने जोड़ के इसको बना रखा है। और इनका ये भी फोकस है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेटेड हो जाए, और इसके लिए ये बराबर 2002 से जो काम कर रहे हैं, और 2021 में आते आते इन्होंने जॉबर पोर्टल यहाँ पर खोल लिया है और पूरी तरह से यहाँ पर ऑटोमेटेड प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं। एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है रवि मोदी चेयरमैन एंड MD, शिल्पी मोदी होल टाइम डायरेक्टर, सुनीस शर्मा, मनीष मेहरोत्रा, तरुण पुरी और अंबाती, ये लोग जो है यहाँ पर बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो ये बनाए हुए हैं और जो इस कंपनी को आगे लेके जाएगी, जैसा कि इनका विश्वास है, रिटेल एक्सपेंशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया करने वाले हैं, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इनिशिएटिव जो कि सभी कंपनियां करती है और ये भी करेंगे, डिसिप्लिन्ड अप्रोच टूवर्ड्स एक्विजिशन में भी ये पीछे नहीं रहेंगे, यानी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी ये करते रहेंगे, एनहेंसमेंट ऑफ ब्रांड अपील थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि मार्केटिंग इनिशिएटिव जो इनकी है उसके साथ ये आगे बढ़ते रहेंगे, और सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एंड स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग ब्रांड में ये उसको फोकस करते रहेंगे। जहां तक अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग इनिशिएटिव का सवाल है, जैसे अगर मान्यवर है किसी ने अगर खरीदा हुआ है तो अपसेलिंग करते हुए ये उसको तोमेव सेल करने की कोशिश करेंगे, मान्यवर के बाद मोहे सेल करने की कोशिश की जाएगी, मान्यवर और मोहे के साथ फिर उसके बाद मैन मोह उसको सेल करने की कोशिश की जाएगी, यानी ओवरऑल जो अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है वो मान्यवर केवल लेकर के अगर वो कस्टमर बना हुआ है तो उसको आप इन फ्यूचर जो क्रॉस सेल या अप सेल कर सकते हो उसके स्कोप यहाँ पर स्टोर में अवेलेबल है, वैरायटी यहाँ पर ढेर सारी अवेलेबल है, यानी ब्राइड एंड ग्रूम, फैमिली एंड फ्रेंड्स, अटेंडीज एंड गेस्ट, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक और सेगमेंट जो ये फोकस कर रहे हैं किड सेगमेंट में भी ये है, और किड्स के लिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो परिधान है ये अवेलेबल है, जो कि इनकी जो किड कैटेगरी है जो मान्यवर मोहे और मिबाज में अवेलेबल है, जो कि इसको और आगे ले जाएगी, और उसमें इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इसको किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। पैन इंडिया रीच इन्होंने प्रेजेंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मार्केट में की हुई है, और ये बता रहे हैं कि मार्च 22 तक 1.27 मिलियन स्क्वायर फीट जो ईबीओ एरिया इनका है, इसके अलावा 21 दिसंबर तक वो 21 स्क्वायर मिलियन था, जो कि यहाँ पर इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं बढ़ चुका है, और नेट रोल आउट 57,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर ये Q4 FY22 में ये दिखा रहे हैं, यानी कि इतना ये बढ़ा दिए हैं। और इसके अलावा EBO 595 जो कि आपका दिसंबर 21 तक 578 था, और टोटल 17 का इसमें नेट रोल आउट यहाँ पे है। सिटीज एंड टाउन एक इंक्रीमेंट हुआ है मार्च 21 तक, और 222 ये आपका दिसंबर 21 तक था। टोटल EBO जो है 12 है, जो कि इंटरनेशनल प्रेजेंस में आप देख रहे हैं, UAE में 6,
यूएसए में 5 और कनाडा में 1 है। टोटल जो रिटेल आउटलेट स्टोर्स है वो 3 कंट्रीज के 8 शहरों में ये 24,357 स्क्वायर फीट ये लेकर के काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिटेल ग्रोथ है सेल ऑफ आवर कस्टमर्स अक्रॉस चैनल की बात की जाए तो Q4 FY21 में 2738 मिलियन रुपीस का इनका सेल है जो कि 45% बढ़कर के Q4 22 में ये होकर के जाता है 3961 मिलियन रुपीस। FY ईयर ऑन ईयर की बात अगर हम कर रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर में 8362 मिलियन रुपीस से बढ़कर 14,736 मिलियन रुपीस ये इनका सेल बढ़ गया है। जबरदस्त तरीके से इसमें ग्रोथ है 76% की। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स कंसोलिडेटेड की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1916 मिलियन रुपीस से बढ़कर 2963 Q4 21 और Q4 22 का है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस मार्जिन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल 52% की बढ़ोतरी हुई है। इबिटा और इबिटा मार्जिन में 61% की बढ़ोतरी हुई है और ये Q4 21 और Q4 22 का है। और अगर बात करें पैट और पैट मार्जिन की उसमें करीब 86% की बढ़ोतरी हुई है 21 से 22, मतलब जबरदस्त एकदम रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर की परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दिया है। इसके अलावा बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 84% सीधे 84% यहाँ पे बढ़ गया है 21 टू 22 में। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सीधे 84% यहाँ पर बढ़ गया। इबिटा और इबिटा मार्जिन ये 85% यहाँ पे दिख रहा है, इबिटा 49% और इबिटा मार्जिन जो है वो 50%। पैट और पैट मार्जिन 39% और 30% ये इसमें आप देख सकते हैं जबरदस्त की ये बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल कंपनी ने अपने हर एक परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट Q4 FY22 और FY22 कंसोलिडेटेड में अगर बात करें तो यहाँ पर ये Q3 और Q4 में ये थोड़ा सा यहाँ पे गिरते हुए दिखाई देता है 3847 to 2963 मिलियन रुपीज में ये गिरते हुए दिखाई देता है और टोटल इनकम 3961 to 3074। और ओवरऑल अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1710 और यहाँ पे 1196 प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये टैक्स घटाने के बाद 1278 और ईयर आफ्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 22 और 31 मार्च 21 और 22 यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,250 का रेवेन्यू टोटल इनकम है और यहाँ 10,908 मिलियन रुपीज का। और ये प्रॉफिट ओवरऑल जो आपका था 1890 बिफोर टैक्स और 1819 बिफोर टैक्स और ये 4,230 और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1329 मिलियन रुपीस और 3149 मिलियन रुपीस ये ओवरऑल ये हो जाता है, यानी जबरदस्त बढ़ोतरी इसके अंदर देखी जा सकती है। अगर इस डेटा में हम ये देखें कि मार्च क्वार्टर 21 से मार्च क्वार्टर 22 है तो इसमें भी काफी बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस यहाँ बढ़े हुए हैं और ये वाला जो फिगर है ये भी बढ़ा हुआ है। केवल आप Q3 और Q4 में देख सकते हैं कि वहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप मार्च क्वार्टर 21 और 22 पे देखें तो परफॉर्मेंस और ज्यादा समझ में आएगा। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q3 Q4 में थोड़ा सा परफॉर्मेंस गिरा हुआ है, लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। वर्ल्ड कप मेंस में किया हुआ था, मान्यवर एज गया और दिवाली वाली फीलिंग्स और सेलिब्रेशन विथ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ये काफी कुछ चीजें ये करते हैं ताकि अपने ब्रांड का जो प्रेजेंस है और ब्रांड की रिकॉग्निशन पावर है उसको बनाए रख सके। तो इस तरह से इस कंपनी ने अपने पूरे के पूरे इस तरह से कंपनी ने अपने पूरे पूरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को बताया है और Q4 FY22 और FY22 का पूरा रिजल्ट कंपनी ने दिखाते हुए और पूरी तरह से अपने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को बताते हुए कंपनी ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसके जो भी चीजें चल रही हैं और उसका जो भी प्लान है आगे अगर एग्जीक्यूट होता है और इसी तरह से उसकी ब्रांड पावर बढ़ती रहेगी तो उसके सेल में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो इस वीडियो में जो फाइनेंशियल एनालिसिस है और ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटजी है वो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।